नमस्कार दोस्तों मैं श्रुति राय आप सभी का स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल नॉलेज साथी में आज हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अगर आप इसे अच्छे से समझते हैं और डेली रूटीन में हॉस्पिटल में काम करते हुए फॉलो करते हैं तो आप अपने हॉस्पिटल का 50 टू 80 परसेंट इन्फेक्शन रेट कम कर पाएंगे आइए समझते हैं यह इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है हैंड हाइजीन हैंड हाइजीन क्यों जरूरी है इससे आप क्रॉस इन्फेक्शन से मरीज को तथा खुद को बचा सकते हैं आइए जानते हैं कि हमें हैंड हाइजीन कब कब फॉलो करने चाहिए गाइडलाइन के के अकॉर्डिंग हैंड हाइजीन पांच मूवमेंट्स हैं। पहला मरीज को छूने से पहले दूसरा कोई भी प्रोसीजर करने से पहले और प्रोसीजर खत्म होने के बाद तीसरा पेशेंट के सराउंडिंग एरिया को टच करने के बाद चौथा पेशेंट को छूने के बाद पांचवा पेशेंट का कोई भी ब्लड एंड बॉडी फ्लूड से एक्सपोज होने के बाद आइए अब जानते हैं कि हैंड हाइजीन होते कितने तरह के हैं। हैंड हाइजीन तीन टाइप्स के होते हैं पहला मेडिकल हैंड वॉशिंग दूसरा सर्जिकल हैंड वॉशिंग तीसरा एल्कोहल रब आइए समझते हैं कि हमें यह तीनों हैंड वॉशिंग कितने कितने समय तक करना चाहिए मेडिकल हैंड वॉशिंग अप टू वन मिनट सर्जिकल हैंड वॉशिंग थ्री टू फाइव मिनट एंड एल्कोहल रब थर्टी सेकेंड्स आइए अब समझते हैं कि इन हैंड वॉशिंग के स्टेप्स कैसे हैं पहला मेडिकल हैंड वॉशिंग कोई भी हैंड वॉशिंग करने से पहले अपने सारे ऑर्नामेंट्स को निकाल लें आपके नेल्स हमेशा कट होने चाहिए और फीमेल्स में उसमें नेल पेंट नहीं होने चाहिए स्टेप्स पाम टू पाम पाम टू डॉर्सम इंटरलेसिंग ऑफ द फिंगर इंटरलॉकिंग ऑफ द फिंगर वाइस वर्सा रोटेशन ऑफ थंब, फिंगर टिप रोटेट द रिस्ट मेडिकल हैंड वॉशिंग के स्टेप्स एडिक्वेट अमाउंट में सोप सोल्यूशन लें पाम टू पाम पाम टू डॉर्सम Interlacing of the finger, interlocking of the finger, vice versa. Rotate the thumb, fingertip clockwise and anticlockwise. Rotate the wrist. Clean the hand with running water and let them hand dry second surgical hand washing take adequate amount of betadine 7.5% palm to palm palm to dorsum interlacing of the finger interlocking of the finger rotate the thumb Fingertip clockwise and anti clockwise. Rotate up to elbow. Repeat this step for three times. Clean the hand with running waters. Close the tap with the help of elbow or tissue paper. Let the hand dry third alcohol hand rub take adequate amount of istrelium steps palm to palm palm to dorsum interlacing of the finger interlocking of the finger rotate the thumb fingertip clockwise and anti clockwise ये हैं स्टेप्स हैंड वॉशिंग के अब आइए बात करते हैं हैंड हाइजीन ऑडिट के बारे में आइए जानते हैं कि हैंड हाइजीन ऑडिट करते कैसे हैं और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हैंड हाइजीन ऑडिट करने से पहले हमें एक एवरेज सैंपल साइज लेना चाहिए जिसमें कि डिफरेंट कैटेगरी ऑफ हॉस्पिटल स्टाफ को मेंशन करना चाहिए जैसे कि डॉक्टर्स नर्सेस पैरामेडिकल्स एंड अदर सपोर्टिव स्टाफ इस फॉर्म को फिल करते समय हमें सबसे पहले सीरियल नंबर मेंशन करना चाहिए फिर डेट मेंशन करनी चाहिए, फिर, को करना चाहिए, फिर वो हेल्थ केयर कौन सा प्रोसीजर कर रहे हैं ये मेंशन करना चाहिए उसके बाद हमें मूवमेंट्स पे ध्यान देने चाहिए बिफोर टचिंग द पेशेंट उन्होंने हैंड रब किया है या नहीं किया है हैंड वॉश किया है या नहीं किया है और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है बिफोर एसेप्टिक प्रोसीजर उन्होंने हैंड रब किया है या हैंड वॉश किया है या नहीं किया है और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है आफ्टर ब्लड एंड बॉडी फ्लूड एक्सपोजर उन्होंने हैंड रब किया है हैंड वॉश किया है या नहीं किया है अगेन कितने स्टेप्स को फॉलो किया है आफ्टर टचिंग द पेशेंट उन्होंने हैंड रब किया है हैंड वॉश किया है या नहीं किया है और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है आफ्टर टचिंग द सर पेशेंट सराउंडिंग हैंड रब किया है या हैंड वॉश किया है या नहीं किया है और कितने स्टेप्स को फॉलो किया है इसके बाद आप ऑब्जर्वेशन बनाएंगे जिसमें कि बेड साइड्स में हैंड्रब फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं यह मेंशन करेंगे नर्सिंग स्टेशन के पास में हैंड्रब एंड हैंडवॉश फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं यह मेंशन करेंगे इसके बाद टोटल नंबर ऑफ ऑपरचुनिटीज को मेंशन करेंगे लास्ट में टोटल नंबर ऑफ मिस्ड ऑपरचुनिटी को मिस करेंगे इस कैलकुलेशन के साथ में आप एवरेज निकालेंगे कि आपकी हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट क्या है इस ऑडिट के साथ में आप ये जान पाएंगे कि आपके हॉस्पिटल की हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट क्या है और किस कैटेगरी ऑफ स्टाफ इसे फॉलो नहीं कर रहा है जिससे कि आप उस कैटेगरी ऑफ स्टाफ पे फोकस कर पाएंगे और अपने हॉस्पिटल की हैंड हाइजीन कंप्लायंस रेट को डे बाय डे इंक्रीज कर पाएंगे उम्मीद करती हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें धन्यवाद